नमस्कार सत श्रीकाल जी। तुसी देख रहे हो देश तो विदेश, मैं रिकी डोगरा, मेरे नाल फिर तो बैठे लैंडमार्क इमीग्रेशन तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर करण। गलबात शुरू करन तो पहले आपां दा वेलकम करांगे ते नाल ही जानांगे कनेडा दी अपडेट की है। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्रीकाल जी। करण सर, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं बच्चों दी और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों के, पूछते हैं कि ठीक है असी कनेडा का जाना है, लेकिन कनेडा उत्थे जाना है जिथे उन्होंने कोई रिलेटिव ऑलरेडी रहा है, चाहे वह टोरोंटो की गल हो, टैली कितने भी, मतलब कि जी मर्जी प्रोविंस भेज दो, कहें कि असी जाना उत्थे, प्रेफरेंस लेके आता पहले बच्चा जो तेरे को आएगा। मैंने लगता असं तो शो करते रहते, सब तो ऑलरेडी इन्नी इनफॉर्मेशन होती है कि हाँ बच्चा ऑलरेडी शेयर करता कि असी उत्थे जाना जिथे साड़ी मासी रहती है, मासी का मुंडा रहा है, लेकिन PR जो तो लेनी होती है उदों फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए जी? ये क्वेरीज हम डेली बेसिस पे अपने ऑफिसेज में मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम बच्चे अपनी प्रेफरेंस लेकर आते हैं कि उनको टोरंटो, ब्रैम्पटन, सरी, वैंकूवर, मतलब कि अद्धी अद्धी अपनी फाइल दे लई जिहड़ी वी तुसी फाइल अपनी है अद्धी फाइल दे लई तुसी आप ही तैयार होकर आते हो, तुहानू कंसलटेंट दी ऑलरेडी तुसी कहंदे हो कि मैनू तो फलानी जगह जाना है, तुसी भेजो, तुसी तो गल ये करते हो आगे कि तुसी भेजो, लेकिन तुसी कंसलटेंट नू ये तो उहदी एक्सपर्टाइज तां लो बेसिकली कि उह चाहुंदा कि करन जी की कहंदे आ लोक कि स्टूडेंट की कहंदा आके जी। बेसिकली रिक्की जी, डेली हम इन बच्चों की काउंसलिंग में आते हैं क्योंकि मेरे को शौक है खुद काउंसलिंग में बैठने का, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का। जो बच्चा मेरे ऑफिस में आ रहा है ना, सबसे पहले वो अपनी पसंदीदा जगह लेके आ रहा है कि मुझे वैंकूवर जाना है, सरी जाना है, ब्रैम्पटन जाना है, टोरंटो जाना है, या जो भी उनकी प्रेफर्ड लोकेशन है। इवन वो कॉलेजेस के नाम भी सोच कर आते हैं कुछ बच्चे, बट कई बार होता है बच्चे के मार्क्स या बच्चे के आयल्स जो स्कोर बैंड है वो उस लेवल पर नहीं होता कि उनको वो जगह मिल सके। हम बच्चों को गाइड करते हैं कि आप दूसरी जगह जाकर अगर कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा सक्सेस रेट भी ज़्यादा मिलेगा। इवन मैं 8 बैंड वाले 7 बैंड वाले बच्चों को भी, जिनकी अच्छी परसेंटेज है, उनको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप एक ऐसी जगह जाएं जहाँ पर आपको स्टडीज़ के बाद PR भी ईजिली मिल जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे हमने देखे हैं, बहुत बच्चों से हमारी बातचीत हुई है कि मेन एरिया में गए हैं बट उनको क्या करना पड़ा, मेन एरिया से शिफ्ट होना पड़ा वर्क परमिट के टाइम पर PR लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर PR के रूल्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मैं कुछ आपके सामने सिटीज़ के नाम ले रहा हूँ, कुछ ऐसी जगह के नाम ले रहा हूँ जहाँ पर आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप PR ऑप्शंस भी अच्छे देख सकते हैं। रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम आप जा सकते हैं, ठीक है, इसमें आप सू कॉलेज, सू सेंट मैरी में पढ़ सकते हैं, अल्गोमा यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, नॉर्दर्न कॉलेज टिमिन्स में पढ़ सकते हैं। आप लॉयलिस्ट में भी पायलट प्रोग्राम चल रहा है बेलेविले कैंपस में, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। इवन मेरे पास नॉर्थ बे थंडर में भी पायलट प्रोग्राम है, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं पायलट प्रोग्राम अंडर पायलट प्रोजेक्ट पढ़ने कर, जहाँ पर आप PR बहुत ईजिली ले सकते हैं। ऐसे ही न्यू ब्रुंसविक कम्युनिटी कॉलेज है, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी पायलट प्रोग्राम चल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक में आप एडमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पर आप पायलट प्रोग्राम के अंडर पढ़ सकते हैं और PR आपकी बहुत ईजिली आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा भी इन्हीं इंस्टीट्यूट में बाद में ट्रांसफर ले रहा है जब उसको PR देनी है, इन्हीं जगह पर जाकर वो वर्क कर रहा है जहाँ पर PR बहुत ज़्यादा ईजी है। तो बच्चे को अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में आई गेस हर बच्चे को अपने कंसल्टेंट की बात जरूर सुननी चाहिए कि जो भी कंसल्टेंट उसे गाइड कर रहा है उसकी स्टडी के रिलेटेड या उसकी PR के रिलेटेड, वो उसको एक बार देखे। ठीक है, अगर बच्चे ने ब्रैम्पटन टोरंटो भी जाना है तो हम उसे ज्यादा दूर नहीं भेजेंगे, वहां से हमारे नियर बाय 1.5 घंटा 2 घंटे की दूरी पर भी पायलट प्रोग्राम में हमारे पास कॉलेज है जो बच्चा ऑप्ट कर सकता है। सो आप ऐसा कॉलेज चूज करें जहां पर वीजा सक्सेस रेट और जहां पर आपको पायलट प्रोग्राम में आकर PR लेनी बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, सो बच्चों की जो चॉइस है, कई बार हमें भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कई बार बच्चे नहीं भी मानते बट हमें बच्चों को वो चॉइस भी देनी पड़ती है। सो हर बच्चा जो भी हमारे पास आ रहा है, मैं वही बोलूंगा कि यस, आप अपनी चॉइस जरूर लेकर आए, आप अपना ऑप्शन जरूर लेकर आए, बट एक बार हमारी बात भी सुने जो हम आपको समझाना चाहेंगे आपकी PR ऑप्शंस के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो तुम शो देख रहे हो तो इस जानकारी नाल तुम सहमत हो गए कि वाकई ही जो भी तुम अपने दिमाग के अपने IQ लेवल के हिसाब न अपने माइंड सैट के हिसाब न अप्लाई करते हो या तुम कहते हो कि जी असं फलानी जगह जाना है, तुम अप्लाई कर दो, लेकिन देखो कई बार इदा होंगे कि उस प्रोविंस के उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के उदा के कोर्सेज नहीं है होंगे अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन तुम तो मन के बैठे हो कि मेरी भूआ का मुंडा उत्थे
वर्धा तो मैं भी उत्थे ही जाना ताकि असीं दोनों इकट्ठे रह सकीए और इकट्ठे कामकार कर सकीए। लेकिन ये चीज़ा जिहड़ियां ये तुहाडे प्रोफाइल नाल मैच नहीं करदियां और कम से कम तुहानूं ये देखना चाहिए कि तुहाडी स्टडी जिहड़ी जी है वह मतलब किस लेवल की है। जरूरी नहीं है कि हाँ तुसीं अगर उसी यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हो या नहीं हो, लेकिन तुसीं अपने कंसलटेंट की सलाह जरूर ले लिया करो, क्योंकि कंसलटेंट एक इहो जिहा पार्ट है तुहाडी जिहड़ी प्रोफाइल उहदे विच। कंसलटेंट का मतलब यह होंदा कि तुहाडा जिहड़ा वीज़ा है वह किसी भी तरीके नाल उन्हें निकलवाना है एम्बेसी तो, मतलब तुहाडा जिहड़ा वीज़ा है वह जिहड़ा कंसलटेंट का जिहड़ा पार्ट है उहदे विच मेन रोल अदा करता है, क्योंकि जिहड़ा तुहाडा प्रोफाइल है प्रोफाइल के हिसाब नाल, क्योंकि जिहड़ा कंसलटेंट तुसीं देखो एक कल्ला बच्चा हो तुसीं तां अपने कल्ली प्रोफाइल लेके आए, लेकिन कंसलटेंट कोल तां हज़ारां बच्चे आते हैं, हज़ार तरह की प्रोफाइल जिहड़ी उह डील करते हैं, तो वो अपने अपने काम के एक्सपर्ट होंगे ने, एक्सपर्टाइज जिहड़ी है उन्हां दी तुहाडे प्रोफाइल के हिसाब नाल ही अप्लाई करते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा करन जी आपां देखिया कि क्यूबेक का बड़ा इस टाइम जिहड़ा जे माहौल जिहड़ा जे वह बड़ा गर्म चल रहा है, लेकिन अज की डेट च क्या क्यूबेक का सिनेरियो की है? देखिए आज की डेट में ठीक है क्यूबेक का सिनेरियो ठीक है, क्यूबेक में जो बच्चे फंसे थे उनके कईयों के रिजल्ट आए हैं, यस नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा दिए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट बहुत ही कम आए हैं, बट मैं अभी भी बच्चों को बोलूंगा अगर आप क्यूबेक अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं तीन कॉलेजेस के नाम ले रहा हूँ क्यूबेक के जहां पर बच्चा अप्लाई करे, उसका CAQ भी बच्चे का ऑन टाइम आएगा, बच्चे को रिजल्ट भी मिलेगा। ऑलरेडी हम क्यूबेक के रिजल्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ट्रबैस इंस्टीट्यूट के, वेनियर कॉलेज के और लसाल कॉलेज, मैं ये तीन कॉलेजेस आपको क्यूबेक में बोलूंगा, किसी भी बच्चे ने अप्लाई करना है इन तीन कॉलेजेस के अलावा भी कहीं मत अप्लाई करें, क्योंकि तीनों कॉलेजेस की जो वैल्यू है बहुत अच्छी है, बच्चों की रिकमेंडेशन है इन कॉलेजेस में पढ़ने की, इवन हमने पर्सनली विजिट किया इन कॉलेजेस में और कॉलेजेस के कैंपस हम लोगों ने देखे हैं तो बहुत ही अच्छे कैंपस हैं। इवन ये वो कॉलेजेस नहीं है जो एक या दो कमरों में बने हैं, इनके कैंपसेस देखने वाले हैं, आप वर्चुअल टूर ले सकते हैं कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर, ये कॉलेजेस कितने ज्यादा डेवलप्ड है उन कॉलेजेस से जो 10 कॉलेजेस ब्लैकलिस्ट हैं, बिल्कुल ठीक है। सो क्यूबेक से भी अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बट चूज कर लीजिएगा किसी और कॉलेज में जाने से पहले, मैं अगेन नाम ले देता हूं, ट्रबैस इंस्टीट्यूट, वेनियर कॉलेज एंड लसाल कॉलेज। जी बिल्कुल करण जी, नाल ही मैं पूछना चाहवांगा कि डिप्लोमा और डिग्री, बच्चे बड़े कन्फ्यूज होंगे ने कि डिप्लोमा च जाइए डिग्री से जाइए कॉलेज से जाइए यूनिवर्सिटी से जाइए। देखो इतने कंसलटेंट जो मेन रोल अदा करता तुहाडे प्रोफाइल के विच कि तुसी कित्थे जाना कित्थे नहीं जाना, करण जी की कहना चाहोगे जो बच्चे कन्फ्यूज होंगे ने डिप्लोमा और डिग्री के चक्कर च? जी वैसे तो अगर कोई बच्चा कनाडा पढ़ने के लिए जा रहा है तो आई सजेस्ट कि वो डिग्री के लिए जाए, क्योंकि 4 साल की बैचलर डिग्री करने के बाद जो जॉब प्रोस्पेक्ट उसको मिलने वाले हैं वो ज़्यादा है अगर कोई डिप्लोमा करने जा रहा है उसके पास नेचुरली। मैं रोक रहा तुहानू बेसिकली क्योंकि इत्थे तुसी गल कीती है डिप्लोमा डिग्री तुसी शुरू करता, मैं इस करके रोक लिया क्योंकि इधर किसी ना किसी इनू PR दे नाल अटैच करके आपां दिखाना है ते बच्चों नू अवेयर करना कि वाकई ही डिप्लोमा और डिग्री दे विच PR दे की ऑप्शन ने। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए जो बच्चा डिप्लोमा करने जाता है PR के टाइम पे उसको पॉइंट्स कम मिलते हैं जब PR डालनी है, डिग्री के पॉइंट्स ज्यादा है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं अगर बच्चा डिग्री भी कर रहा है और वो किसी ऐसी जगह से कर रहा है जहां पे PR रूल डिफिकल्ट है उसको PR में हेल्प मिलेगी। जॉब लेवल उसको जो नॉक लिस्ट है उस पर अच्छी जॉब लेवल के साथ नौकरी मिलेगी, OA लेवल पर वो जॉब कर सकता है। यस कई बार डिप्लोमाज हम ऐसे कर लेते हैं जहां पर उस लेवल की जॉब नहीं मिलती फिर PR में हमें दिक्कत आती है, आपने बहुत अच्छी बात की है PR रिलेटेड। अगर हम डिग्री कर रहे हैं तो हमें PR के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पॉइंट से इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि हम डायरेक्टली इजी PR मिल जाती है। बट अगर मैं डिप्लोमा कर रहा हूं तो मुझे काम भी करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक मैं अपने डिजायर्ड PR स्कोर पे नहीं पहुंच जाता तब तक मैं PR ही अप्लाई कर सकता। सो यस मैं रिकमेंड करूंगा जो बच्चे हैं जो 6.5 बैंड नो बैंड लेस देन 6 ले सकते हैं, जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए प्लस टू में वो एक बार डिग्री को कंसीडर करें क्योंकि हम स्कॉलरशिप्स भी बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। हुण तुसी गल कीती स्कॉलरशिप दी, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है और कई बार इहो जे बच्चे एलिजिबल होंदे ने स्कॉलरशिप दे लई लेकिन वो इस मौके तो जिहड़े इस क्वेश्चन तो जिहड़ा नूं पता ही नहीं होंदा कि साडी जिहड़ी प्रोफाइल है वो स्कॉलरशिप लई एलिजिबल है कि नहीं है, लेकिन कंसलटेंट कितने कितने मेन रोल अदा करता है और अगर कंसलटेंट चाहे तो तुहानूं स्कॉलरशिप वाले कॉलेज डिग्री कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी विच भेज सकता है। करण जी की कहना चाहोगे कित्थे जाके बच्चा जिहड़ा जे है वो मिसगाइड हुंदा स्कॉलरशिप वाले मामले च? देखिए स्कॉलरशिप में मिसगाइडेंस कुछ नहीं है क्योंकि स्कॉलरशिप तो ऑफर लेटर पर लिखी ही आएगी बच्चे के, स्कॉलरशिप लेटर बच्चे को साथ में ही आएगा। अगर कोई कंसल्टेंट आपको ये बोले कि जी आप वीजा अप्लाई कर लो उसके बाद वहां जाकर स्कॉलरशिप मिलेंगे, वो एक
स्कॉलरशिप ऐसी है जो हमने कभी देखी नहीं जी। अगर हमने कुछ अचीव किया तो मिल जाएगी, अगर अचीव नहीं किया तो नहीं मिलेगी। बट मैं आपको ये कमिट करता हूं कि हम आपको इंडिया से ही स्कॉलरशिप दिलवाएंगे, आपकी फाइल के अंदर स्कॉलरशिप लेटर लगेगा, अम्बेसी में जाएगा। हम अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप कैनेडा से बच्चों को दिलवा चुके हैं। $2,000 से लेके $10,000 तक की स्कॉलरशिप कोई भी बच्चा मेरे पास अप्लाई करना चाहता है, अगेन रिपीट करता हूं, $2,000 से $10,000 तक की स्कॉलरशिप हम बच्चों को दिलवाते हैं। जितने स्कॉलरशिप लेटर आप मेरे पास देखना चाहते हैं एक बार ब्रांच में विजिट करें, मैं $10,000 मिनिमम स्कॉलरशिप के लेटर आपको दिखाऊंगा। बच्चों के 70% नंबर है, ओवरऑल 6 बैंड पर भी मेरे पास स्कॉलरशिप है। ये नहीं है कि 6.5 बैंड ही लेने पड़ेंगे आपको स्कॉलरशिप के लिए, ओवरऑल 6 बैंड पर स्कॉलरशिप मैं आपको दिलवा सकता हूँ। तो अगर मैं एक बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन आपको बताता हूं, एक साल की फीस है $16,500, दूसरे साल की फीस है $16,500, टोटल फीस बन गई $33,000, $33,000 दो साल की फीस हो गई। फर्स्ट ईयर की हमने अगेन फर्स्ट ईयर की फीस हमने $16,500 मिल गई, बच्चे को $10,000 का स्कॉलरशिप लेटर पहले ही मिल गया। सेकंड ईयर की फीस उसकी कितनी रहेगी, सिर्फ $6,500 उसको फीस पे करनी पड़ेगी। मतलब घर वालों का बर्डन कम हो चुका है, बच्चे को वहां पे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, अपने दिन रात एक नहीं करना पड़ेगा कि दूसरे साल की फीस निकाले, क्योंकि मेनली बच्चे क्या। हाँ, लेकिन इधर ये करण जी, बच्चा करे क्या, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि मैंने ए भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्या करे, लैंडमार्क इमिग्रेशन ऑफिस आवे या फिर पहले एक बारी ऑनलाइन भी चेक कर ले कि वाकई ऐसा होता भी है नहीं। यस बिल्कुल, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली हर कोई स्कॉलरशिप इसलिए नहीं प्रोवाइड करता कि देखिए मेरा बिजनेस है जी, मुझे पैसा मिलना है, बच्चा बाहर जाएगा, मुझे कमीशन आनी है। कहीं ना कहीं जब स्कॉलरशिप मिलती है तो कमीशन पे इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि $10,000 तो हमारी कमीशन से कट गया बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए कई कंसल्टेंट स्कॉलरशिप को प्रमोट नहीं करते, बट मैं स्कॉलरशिप को प्रमोट करता हूं। बिल्कुल, ये तुसी ध्यान नाल सुन लो गल, क्योंकि ये गल कोई तुहानू दसेगा नहीं अपने इस प्लेटफॉर्म दे राही नहीं दसेगा, क्योंकि उहदी कंपनी नूं नुकसान है। लेकिन लैंडमार्क इमीग्रेशन तुहानू ये जानकारी दे रहा है कि अगर तुसी स्कॉलरशिप के हकदार हो तो तुसी ले सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, तुहाडे प्रोफाइल के नाल ही तुहाडी जिहड़ी स्कॉलरशिप लैटर है वह भी तुहानू दिता जाएगा, और ये $10,000 तक हो सकती है, जिहदे नाल कि तुहाडा सैकेंड ईयर का जिहड़ा जे फीस का खर्चा काफ़ी घट जाता। जिन्हां बच्चों ने बेसिकली पढ़न जाना है और जिन्हां बच्चों ने उत्थे जाके PR लेनी है, उन्होंने लिए तो यह बहुत अच्छा मौका है, सुनहरी मौका, क्योंकि जिहड़े माँ प्यो है उन्हों का बर्डन घट हुंदा है, जिहड़ी उन्होंने सैकेंड ईयर की फीस हुंदी है उहदे च काफ़ी फर्क पैंदा है। जिदा कि आपां गल कर रहे सी फीस $10,000 तक भी हो सकती है। करण जी, लेकिन आपां इत्थे फिर उही गल करांगे कि इह किना किना बच्चों लई अवेलेबल है। प्लस टू जी, ऑलरेडी ग्रेजुएट जी, ऑलरेडी मास्टर, मेरे पास तीनों बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और ये भी नहीं है कि स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ मैं बैचलर पे दूंगा, ये भी मैं आज आपको कमिट करता हूं कि अगर आप 2 साल की एसोसिएट डिग्री करने के लिए जा रहे हैं तब भी मैं आपको $10,000 तक की स्कॉलरशिप कमिट करता हूं कि मैं आपको यूनिवर्सिटी से दिलवाऊंगा आपके मार्क्स के बेस पर। IELTS अगर आपके पास ओवरऑल 6 बैंड भी है तब भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। एक बार लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस में विजिट करें, मैं आपको स्कॉलरशिप के सारे प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे बच्चा स्कॉलरशिप बेस पर जा सकता है। और बहुत जल्द हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे उस यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव को भी लेकर आएंगे जो आपको स्कॉलरशिप के बारे में और अच्छे से बता पाएंगे और नॉलेज दे पाएंगे स्कॉलरशिप के बारे में कि और क्या क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया वैसे बहुत सिंपल है, आपके 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए, ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। आई थिंक इससे इजी स्कॉलरशिप पूरे कनाडा में नहीं मिल पाएगी, 60% नंबर, ओवरऑल 6 बैंड, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। बिल्कुल करण जी, नाली आपां गल करती सी हुणे थोड़ी देर पहले क्यूबैक दी, क्योंकि लास्ट जिहड़े सिनेरियो रहा क्यूबैक दा बहुत ही माड़ा रहा, बच्चे बहुत डरे हुए सीगे, रिफ्यूजलां तड़ा आईआं ने। हुण जिहड़ा क्यूबैक दा सिनेरियो, बच्चा अप्लाई करे या ना करें, और क्यूबेक दे बीच अगर बच्चा कोई अप्लाई करता है तो PR दे की चांसेस ने? देखिए क्यूबेक तो हमेशा से एक बहुत हॉट डेस्टिनेशन रही है बच्चों की जी। आपने देखा ही था कि ये जो क्यूबेक का सीन हुआ है, ब्लैकलिस्ट हुए हैं, कितना बच्चा इसके साथ क्यूबेक के साथ जुड़ा था, क्योंकि वहां पे PR थोड़ी सी इजी है, इजी है क्यूबेक में। यस, PR का प्रोसेस इजी है। मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ, क्यूबेक में अभी भी बच्चे अप्लाई करें, बट लैंडमार्क इमिग्रेशन के द्वारा बताए गए सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलेजेस में अप्लाई करें। पहला कॉलेज है ट्रबैस इंस्टीट्यूट, दूसरा कॉलेज है वैनियर कॉलेज और तीसरा कॉलेज है लसाल कॉलेज। इन 3 कॉलेजेस के अलावा अभी क्यूबेक प्रमोट मत करें, क्यूबेक में और किसी और कॉलेज में अप्लाई मत करें। इन 3 कॉलेजेस में अप्लाई करो, आपको ऑन टाइम आपका CAQ मिलेगा और आपको साथ ही इसमें वीजा सक्सेस रेट भी जरूर मिलेगा। बट इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, आपने क्यूबेक की बात छेड़ी है तो बहुत बच्चों से मैं मिला हूँ,
ऑन कैमरा क्यूबेक में CAQ के नाम पर बच्चों से मार्केट में आज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मनी चार्ज की जाती है। सिर्फ और सिर्फ $116 में बच्चा अपना CAQ ले सकता है कनाडा गवर्नमेंट से। कोई 50,000 60,000 70,000 CAQ की फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ $116, और वो भी बच्चे के ही कार्ड से जाने हैं। आपने किसी को बच्चे के अकाउंट से जाने हैं, बच्चे के ही अकाउंट से जाने हैं, किसी भी कंसल्टेंट को कैश देने की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को। जस्ट $116 में CAQ अवेलेबल है क्यूबेक से, और CAQ देने वहां की गवर्नमेंट ने, कोई भी ये कमिट नहीं कर सकता कि मैं एक दिन में या दो दिन में CAQ दे दूंगा। इसमें टाइम प्रोसेस क्या है? टाइम प्रोसेस मिनिमम 21 डेज है, उसके अब वेट करना ही पड़ेगा 21 डेज का आपको, और 21 वर्किंग डेज जिसमें सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज इंक्लूड नहीं होती। मतलब मिनिमम आप लेके चलिए एक महीने का टाइम है। बिल्कुल, एक महीने का टाइम, 30 डेज का टाइम आपको CAQ के लिए देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग आपकी पब्लिक हॉलीडेज और सैटरडे संडेज के साथ। सो कभी भी आप इस चीज पर मत विश्वास कीजिए कि CAQ कोई जल्दी मंगवा देगा, मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दूं तो CAQ जल्दी आ जाएगा। $116 लगते हैं सिर्फ CAQ के लिए, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं लगता, और वो भी आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ही डिडक्ट होने हैं। जी बिल्कुल करण जी, आप गल कर रहे हैं कनेडा की, और ना ही मैं इतने जोड़ना चाहूँगा कि तुम अगर शो देख रहे हो तो लैंडमार्क के जो ऑफिस के एड्रैस ने नीचे फ्लैश हो रहे हैं, तुम अपनी प्रोफाइल अगर तुम्हें चंडीगढ़ मोहाली दूर लगता है तो तुम नियर बाई जो ऑफिस हैं अमृतसर की गल कर लीए, लुधियाना की गल कर लीए, चाहे जलंधर की गल करिए, जिते जिते भी लैंडमार्क के ऑफिस ने स्क्रीन के उपर फ्लैश हो रहे हैं, तुम उत्थे जाके जी है अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो। और ना ही आप हर बार मंच तो इसे मंच तो अपील करते हैं कि जो तुम आना हों लैंडमार्क इमीग्रेशन तो अपने किसी भी पेरेंट्स लेके आओ, ताकि तुहानू भी पता होए कि वाकई और तुहाडे पेरेंट्स नू भी पता होए कि असी अपने बच्चे का जो वीज़ा है वो सेफ हाथों के अपलाई कर रहे हैं, लैंडमार्क इमीग्रेशन तो अपलाई कर रहे हैं। लैंडमार्क इमीग्रेशन तुम इतना प्यार दे रहे हो, इतना वधिया अज दी डेट पंजाब का ब्रांड बनाता है कि सानू भी यह फील होंदा है कि वाकई ही लैंडमार्क इमीग्रेशन कंपनी जी है वो बच्चों के वीज़ा के लिए काम करती है, ना कि पैकेज सिस्टम से काम करती है। करण जी, मैं ना ही जानना चाहवागा कि हूँ जो इनटेक्स की कन्फ्यूजन चल रही है बच्चों के बीच, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कॉल्स करके पूछ रहे हैं, ईमेल्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि जी हूँ इनटेक कि अपकमिंग इनटेक जरा जो है वो बच्चों के लिए कि जी अपकमिंग इनटेक है जनवरी 2022 इनटेक, जिसको विंटर 2022 इनटेक बोला जाता है। कोई भी बच्चा अगर विंटर 2022 इनटेक जनवरी 22 इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस आए और सिर्फ सरकारी कॉलेजेस में अप्लाई करे, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सरकारी कॉलेज के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सरकारी कॉलेज में अप्लाई करे जहां पर 2 साल पढ़ने के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। सरकारी यूनिवर्सिटीज दी जाएंगी जिनमें आप 3 साल या 4 साल की बैचलर डिग्री कर सकते हैं, और जनवरी इनटेक में आपको अप टू $10,000 तक की स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन मैं दूंगा। करण जी, उन्होंने बच्चों लिए की है जिहड़े पक्के ही ऑलरेडी पैकेज तो रिफ्यूज हो चुके हैं, उन्होंने मिसटेक की कि पैकेज ले लिया लेकिन हूँ आते हैं तो कहते साडे कोल तां रिफ्यूजल लैटर ही नहीं है, वो की करन आगे? देखिए, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास रिफ्यूज़ल लेटर नहीं है तो वो अपने केप्स नोट से अप्लाई करे, केप्स नोट से अप्लाई करवा देते हैं, वहाँ से हमें पूरी हिस्ट्री पता लग जाएगी बच्चे की कि बच्चे का रिफ्यूज़ल क्यों हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे और क्या प्रोफाइल क्रिएट करके लास्ट एजेंट ने उस बच्चे की फाइल एम्बेसी में लगाई है। सो केप्स नोट्स इसका दूसरा सोल्यूशन है अगर किसी बच्चे के पास रिफ्यूज़ल लेटर नहीं होता तो। करण जी, आप गल कर रहे उन्होंने रिफ्यूजल बच्चों की जो लेटेस्ट रिफ्यूज़ हुए हैं, लेकिन हूँ गल उ आ गई कि दोबारा अगर उन्होंने जी आईलेट्स है वो मान के चलो कि उन्हें जनवरी इनटेक से अपलाई करना है लेकिन इन बिटवीन वो फैब के मिड दे या फैब स्टार्टिंग उन्होंने आईलेट्स जी खत्म हो रही है तो आईलेट्स द्वारा करन या फिर पहले अप्लाई कर दें? ये तो आप बहुत दूर चले गए कि जनवरी इनटेक है तो फैब में आज खत्म हो रही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप जनवरी इनटेक इजीली लगा सकते ले सकते हैं। इवन मैं तो उन बच्चों की फाइल्स अभी लगा चुका हूं जिनकी जनवरी इनटेक है, दिसंबर या नवंबर में आज खत्म हो रही है, तो आप उससे पहले अपनी फाइल एम्बेसी में डाल दीजिए। ड्यू टू कोविड बहुत बेनिफिट एम्बेसी बच्चों को दे रही है आयल्स वेवर का, सो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज जी। बिल्कुल, तुम ये ध्यान नाल गल सुन लेनी और अपने दिमाग के बिच बिठा लो, अगर तुहाडी जनवरी के बिच भी जिहड़ा जे है एक्सपायर होने वाली आईलेट्स तो तुम अज की डेट से जो अप्लाई कर दोगे तो अज की डेट काउंट होएगी, जिस दिन तुहाडी फाइल एम्बेसी के लॉगिन हो जाएगी वो डेट काउंट होएगी, एक्सपायर वाली आईलेट्स की एक्सपायर वाली डेट काउंट नहीं होएगी, क्योंकि तुम तो पहले ऑलरेडी 2-3 महीने पहले एडवांस जी अपनी डॉक्यूमेंटेशन करा चुके हो, और जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज कर दो तुम्हें प्रोपर पता होना चाहिए कि वाकई ही उस कोर्स लिए पता होना चाहिए, ताकि तुम अपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग अवेयर हो सको। जानते हैं आप करण जी, एक बार फिर उन्होंने बच्चों लिए कहना चाहवागे जो बच्चे 2-3 बार होने लेटेस्ट पहले भी एक बार रिफ्यूज से हूँ फिर रिफ्यूज हुए हैं, क्या वो घबरा की लड़ है उन्होंने बच्चों या नहीं कैनेडा स्पैशली? देखिए, मैं सिर्फ उन बच्चों से बात कर सकता हूँ, बच्चा
बच्चा घबराया ही होता है, पेरेंट्स भी बहुत, क्योंकि 20 लाख रुपया लग चुका है उनका आज, डॉलर रेट इतना ज्यादा है, 20 लाख मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, डॉलर रेट बहुत ज्यादा है। और 20 लाख रुपया ये जेड़ा जे है ये तुसी किसी भी फैमिली की पूरी उम्र की कमाई भी हो सकती है, क्योंकि 20 लाख रुपया कितने सौखा नहीं पिया इकट्ठा करना और एक बच्चे के उपर लगाना, फैमिली पूरी मेहनत के नाल पैसा इकट्ठा करती है, ईमानदारी का पैसा होंदा है, इस करके तुसी अपनी प्रोफाइल के उपर काम करया करो, तुसी तुहानू भी अवेयर रहा करो, और अगर तुसी लैंडमार्क के विच आ रहे हो तो तुसी ये सोच करो कि तुसी सेफ हाथों के जा रहे हो, तुहानू किसी भी तरह की कोई टेंशन लैन की लोड़ नहीं है, तुहाडी प्रोफाइल के हिसाब नाल ही तुहानू जिहड़ा वीज़ा है वो दिता जाएगा, एम्बेसी से अपलाई किया जाएगा, वीज़ा तो एम्बेसी ने देना, लेकिन लैंडमार्क जिहड़ी एक्सपर्टाइज है वो तुहाडी फाइल के उपर वर्क करेगी, जिहड़ी टीम है वो फाइल के उपर करेगी, और कोशिश रहती है कि कम से कम जो है वो घट टाइम के बीच तुम्हें जो वीज़ा दिता जाए। की कहना सर उन्होंने बच्चों ने जो ऑलरेडी दो बार रिफ्यूज ने? आप एक बार लैंडमार्क इमीग्रेशन का ऑफिस विजिट करें, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आप लैंडमार्क इमीग्रेशन के किसी भी ऑफिस में विजिट करके आप वर्चुअल काउंसलिंग ले सकते हैं मुझसे, आप मैं मोहाली ज़्यादा बैठता हूँ, आप मेरे मोहाली ऑफिस आ सकते हैं, हम लोग मिलेंगे, आपकी रिफ्यूजल्स के ऊपर काम करेंगे, देखेंगे कि रिफ्यूजल्स क्यों आई है, आपको मैं कॉलेज कोर्स इमीडिएट गाइड नहीं करूंगा, पहले आपकी पूरी फाइल चेक करूंगा, उसके बाद ही कुछ आपको बता पाऊंगा, एक बार ज़रूर मिलें, जो भी रिफ्यूजल केसेज है जस्ट विजिट लैंडमार्क इमीग्रेशन वंस। जी बिल्कुल, तुसी भी शो देख रहे हो तो आप शो दे जाते जाते आप उन्होंने बच्चों ना जरूर मिलाने हैं, और आज भी मिलावांगे जिन्हां दे लेटेस्ट जिहड़े वीज़ा आए ने और कैनेडा दे लई जिन्होंने फ्लाई करना है, चाहे वो मतलब हुणे लेटेस्ट इनटेक है आन अपकमिंग इनटेक है उसलिए फ्लाई करना है, तो उन्होंने बच्चों के एक्सपीरियंस जरूर सुनया करो और उन्होंने बच्चों तो जुबानी सुना करो, उन्होंने पेरेंट्स की कहते हैं लैंडमार्क इमीग्रेशन बारे, कितने एक्सपीरियंस उन्होंने होंगे ने लैंडमार्क इमीग्रेशन के बारे, आओ देखते हैं इस मीडिया के। सत श्री अकाल जी, हमारे साथ है गुरसिमरत सिंह जिनका कनाडा का स्टडी वीजा आ चुका है। गुरसिमरत जम्मू से बिलोंग करते हैं, हमारे मोहाली ऑफिस में आए हैं, बहुत दूर से आए हैं आज अपना वीजा कलेक्ट करने के लिए। सो पहले कांग्रेचुलेट करते हैं गुरसिमरत को, बाकी इनकी प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। कांग्रेचुलेशंस गुरसिमरत, कांग्रेचुलेशंस मैम। गुरसिमरत लैंडमार्क इमिग्रेशन के साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, है ना, एक बार लैंडमार्क इमिग्रेशन से रिफ्यूज भी हो चुके हैं, ठीक है, पीटीई है इनकी 58, पीटीई बेस पे इन्होंने वीजा लिया है। प्रोफाइल इन्हीं से पूछने की क्या प्रोफाइल थी, एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, पीटी में कितने स्कोर है, बाकी गुरसिमरत आप हमारे व्यूअर्स को बताएं आपकी क्या एकेडमिक प्रोफाइल है इंडिया में, कौन सा कोर्स करने के लिए फ्लेमिंग कॉलेज जा रहे हैं और पीटी में कितने स्कोर है। माय एक्सपीरियंस वाज रियली कूल इन लैंडमार्क इमिग्रेशन, आई हैव स्कोर पीटी 58 ओवरऑल, आई गॉट 6.5 बैंड्स एंड आई स्टडीड 12th ईयर एंड आई गॉट पीटी 6.5 बैंड्स एंड पीटी में ओवरऑल आपके 58 है, नॉट लेस देन 57। और आपकी इंडिया में क्या स्टडीज हैं? 12th पास की है। स्ट्रीम कौन सी आपकी? मेडिकल स्ट्रीम। और अब आप कौन सा कोर्स करने के लिए जा रहे हैं? फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन का कोर्स करने के लिए जा रहे हैं। पीटी पर इनका वीजा अप्रूव हुआ है, 58 ओवरऑल, नो स्कोर लेस देन 57 पर इन्होंने वीजा लिया है। एक बार लैंडमार्क इमिग्रेशन से रिफ्यूज हो गए पर इन्होंने दोबारा लैंडमार्क इमिग्रेशन पर ही विश्वास रखा और अपनी फाइल रीलॉन्च की, इनके पास अब सक्सेस है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं अगर आप हमसे रिफ्यूज है, लैंडमार्क इमिग्रेशन से रिफ्यूज है, और हम कभी बताते हुए इस चीज को हिचकते भी नहीं है कि आप लैंडमार्क से ही रिफ्यूज है तो आप लैंडमार्क से ही रिफाइल करें। So, गुरसिमरत आपने सेकंड टाइम कैसे विश्वास किया कि एक बार तो रिफ्यूजल आ गया, क्योंकि मेरे पास भी बहुत बच्चे आते हैं कि एक बार उनसे रिफ्यूज हो गया, अब दूसरी बार उनसे फाइल ले लगानी, तो आपने कैसे दोबारा से विश्वास कर लिया कि चलो दोबारा लैंडमार्क से फाइल लगा ले? नहीं, मेरा एक कजन ने थोप लाई की था, ये मेरे रियल ब्रदर ने भी थोप लाई की था, तो उन्होंने क्या कहने करी ड्राइवर करो हो जाएगा पक्का हो जाएगा, ठीक है। सो गुरसिमरत के मदर भी साथ में है, पेरेंट्स से मैं हमेशा बातचीत करता हूं अपनी वीडियोस में, क्योंकि बैक सपोर्ट तो वही है उनकी, है ना, पैसा पेरेंट्स ने लगाया है। सो मैम आपके क्या व्यूज है लैंडमार्क इमिग्रेशन के बारे में, एज जैसे गुरसिमरत बता रहा है कि आप लोगों के साथ तो हमारे रिलेशन आई थिंक 2-3 साल से हैं, क्योंकि बहुत वीजा लग चुके हैं, सो वैसे तो पूछने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी इस केस में क्योंकि रिफ्यूज भी हो गया हमसे बच्चा, फिर वीजा लग गया, तो क्या आप चलिए खुश है पूरी फैमिली, ऑलरेडी इनके ब्रदर, इनके कजन ब्रदर हमसे वीजा लेकर जा चुके हैं। सो गुरसिमरत बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड हमारे टोल फ्री नंबर पर जरूर कॉल कीजिए, आप भी एक बार लैंडमार्क इमिग्रेशन विजिट करें, 90413-90412 पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें, ताकि आप भी गुरसिमरत की तरह यहाँ खड़े हो सके, अपना वीजा सक्सेस स्टोरी सभी के साथ शेयर कर सके। थैंक यू।